2002 मूवी। दोस्तों इस मूवी में मेनली हमें मैथ्यूज़ और नियोमी नाम के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। भाई इस मूवी की बात करूँ, ये इतनी धमाकेदार, इतनी मज़ेदार मूवी है। चलो मूवी की स्टार्टिंग बताता हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हमारे मैथ्यूज़ और नियोमी कहीं जा रहे होते हैं। नियोमी प्रेग्नेंट होती है, दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। तभी अचानक से एक बर्फीला तूफान आता है, उसमें उनकी कार फंस जाती है। और कार का फंसते ही भाई उसमें वो करीब 20-25 दिन उस तूफानी बर्फबारी में पूरे में ढके हुए हैं, कार में फंसे रहते हैं। कांच मांच तोड़ के भागने की कोशिश करते, भाग ही नहीं पाते भाई, भाई फंसे रह जाते हैं। 20-25 दिन निकल जाते, थोड़े से खाने में, थोड़ी सी चीज़ों में। उसमें मैथ्यूज़ की डेथ हो जाती है। उसी बीच वो प्रेगनेंट हो जाती है, प्रेगनेंट रहती बच्ची, वो नियोमी, वो बच्चे भी डिलीवर हो जाता है। अपने बच्चे और वाइफ को बचाने के लिए वो अपनी बलिदान दे देता है। भाई अगर वो दोनों बाहर निकल गए होते बर्फीले तूफान से तो कोई नहीं बच पाता, लेकिन मैथ्यूज मारा जाता है अपने बच्चे और बीबी को बचाने के लिए। इसी पर बेस होके एक सेंटीग्रेड करके मूवी बनी हुई है। ट्रू इवेंट पे बेस है ये पूरी, कैरेक्टर सब कुछ, और उसकी बीवी बच्चे आज भी जिंदा हैं, उसी पर ये पूरी कहानी बेस है। भाई मूवी बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, बहुत दमदार है, बहुत धमाकेदार है। मतलब कि इस मूवी को मैं क्या ही कहूँ, एक एंटोनमेंट करके एक मूवी है 2006 या 2007 के समथिंग में, उसके बाद मुझे ये थोड़ी पसंद आई है। मतलब कि सर्वाइविंग और ट्रू इवेंट पर बेस है, किस तरह से एक पिता ने अपने बच्चे को सबको बचाया भूखा रह के, खुद को मार के। अगर वो बाहर निकल जाते ना भाई, इतने दिन नहीं रह पाते। और वो फिर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, एक होटल के जरिए होटल पहुंचते हैं, जहाँ पर वो हॉस्पिटल पहुँचा तो बच्चे जाते हैं उनके सब कुछ। भाई बहुत एंगेजिंग मूवी है, बहुत इमोशनल मूवी है यार, मैं क्या ही कहूँ। ये ट्रू इवेंट पे बेस है, पर मैं इतना कहना चाहूँगा चेकआउट कर सकते हैं आप। सेंटीग्रेड 2002 नाम से मूवी आएगी, वो देख सकते हो, उस पर बुक भी लिखी गई है सेंटीग्रेड, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, वैसे ही हूँ।